ये मालिक जी, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, ये मोदी का न्यू इंडिया है। इस न्यू इंडिया में हमारे ही देश का एक मुसलमान नागरिक हमारे ही देश में एक राज्य में जाकर अगर व्यवसाय करना चाहता है, चूड़ियां बेच के अपने घर वालों के लिए पालन पोषण के लिए कुछ कमाना चाहता है, तो उसको इस तरह से ये हिंदुत्व के गुंडे पकड़ते हैं, उसको बेरहमी से मारते हैं, उसकी चूड़ियां उसका सामान उठाकर फेंक दिया जाता है। तो ये किस तरह हमारा दिशा में देश जा रहा है? कभी कानपुर में किसी को जय श्री राम नहीं बोलने के ऊपर से मारा जाता है उसकी छोटी बच्ची के सामने, हर दिन ये घटनाएं होती। जिम्मेदार कौन है मैं आपको बताऊं? सिर्फ और सिर्फ मोदी और भाजपा की उनकी सरकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बॉब लिंचिंग पे सख्त कानून बनाइए, मगर मोदी नहीं बनाते। उनको पता है कि उनके जो फुट सोल्जर्स है, बजरंग दल, ये विश्व हिंदू परिषद, ये लोगों को रोकना ही नहीं है उनको। वो चाहते हैं कि इसी तरह की घटना करे। अगर ये बोल रहे कि वो आदमी अपनी आइडेंटिटी छुपा कर वहां पर गया था, तो मैं पूछना चाहूंगा कि वो पुलिस प्रशासन था नहीं था? आपको यदि उसके ऊपर अगर शक आया तो आप उसको पकड़ते, पुलिस के पास दे देते कि इसके ऊपर आधार कार्ड ऐसा है, इसका नाम ये। आपको कानून लेने का अधिकार अपने हाथ में किसने दिया? आपको ये गुंडागर्दी करने का अधिकार किसने दिया? और होगा क्या माने जी, मैं आपको ये भी बताऊं, अभी तीन आरोपी जो पकड़ा है, इनको अरेस्ट किया, सुबह में कोर्ट में खड़ा करेंगे, एक दिन में इनको जमानत हो जाएगी। ये जमानत के ऊपर बाहर आएंगे, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता जाएंगे, फूलों की माला लेकर मिठाई खिलाएंगे, इनको वहां का हीरो बना दिया जाएगा। तो इस तरह से अगर आप किसी को ग्लोरीफाई करोगे मॉब लिंचिंग के नाम पर, तो जाहिर सी बात है कि तो घटना हमारे देश में नहीं रुकने वाली है, और ये आए दिन बढ़ते जा रहा है। इसको रोकना होगा, और नहीं रोकने से आप देखिए धर्म की राजनीति पूरी तरह से भाजपा चालू कर रही है। यूपी का इलेक्शन शुरू हो रहा है, यहाँ पर अभी यहाँ पे बजरंग दल लोग आ रहे, नेशनलिज्म की बात कर रहे, ये भाजपा के प्रवक्ता बैठे। माने जी, मैं इनसे सवाल करूंगा, माने जी आउट ऑफ कॉन्टेक्ट है, लेकिन मैं इससे सवाल करूंगा जरूर कि भाजपा के प्रवक्ता, आप ये बताइए, आपकी नजर में हमारा तिरंगा बड़ा है या भाजपा का झंडा बड़ा है? बताइए भाजपा का झंडा की क्या है जब हमारा तिरंगा बड़ा है? हमारा तिरंगा का कानून है, तिरंगे के ऊपर कोई भी अपना झंडा नहीं लहरा सकता। तो आपने तो जाकर हमारे तिरंगे के ऊपर अपने भाजपा का झंडा लहरा दिया, और वहां पर आपके मोदी साहब खड़े थे, आपके योगी खड़े थे, वहां पर क्या एक्शन लिया? क्या ये देश को नहीं था? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? आप रोज या शाम को बैठ कर राष्ट्र का पाठ पढ़ाते हो, तो कभी अपने अंदर आशीष जवाब देंगे क्या? उसके बाद घनश्याम तिवारी, तो गलत है तो गलत है। मानिक जी बिल्कुल जवाब, आशीष जवाब, मानिक जी आपको भी उस पर, मानिक जी देखिए, अब ये शांत हो जाए।